आगरा दिल्ली हाईवे पर रविवार की देर रात पुलिस ने मुठभेड़ में एक गौतस्कर को ढेर कर दिया। मथुरा से बुलेरो पिकअप में गाय लाद कर ले जा रहे गौतस्करों का पुलिस से गांव दौताना के समीप आमना सामना हो गया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जहां एक गौतस्कर की गोली लगने से मौत हो गई, वहीं दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। में बोले नेशनल हाईवे नंबर 2 पर रात के लगभग 2:30 बजे छाता पुलिस गांव दौताना पर चेकिंग कर रही थी। मथुरा से गौतस्कर गाय लाद कर कोची कला की तरफ जा रहे थे। दौताना गांव पर पुलिस ने बुलेरो पिकअप को रोकने की कोशिश की, चालक ने भागने का प्रयास किया। इसी बीच पुलिस पर बुलेरो पिकअप सवार गौतस्करों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। दोनों तरफ से करीब 10-12 मिनट तक फायरिंग होती रही। गोली लगने से अफसर पुत्र सलीम निवासी कंसारी थाना नगीना मेवात, यूनुस पुत्र तैयब निवासी देवड़ा थाना नू हरियाणा और बिल्लू पुत्र कल्लू निवासी देवड़ा थाना नू घायल हो गए। इरफान पुत्र हिम्मत उटावड़ा थाना हतीन पलवल और सादिक पुत्र शेरखान निवासी उटावर थाना हतीन पलवल हरियाणा को पकड़ लिया गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल केडी मेडिकल में भर्ती कराया गया। सीओ छाता जगदीश काली रमन ने बताया कि उपचार के दौरान अफसर ने दम तोड़ दिया है। यूनिस और बिल्लू का उपचार चल रहा है। दोनों गौतस्कर छाता पुलिस की हिरासत में हैं। मुठभेड़ के बाद एसएसपी ग्रोवर भी घटना स्थल पर पहुंच गए। सर बताएं पुलिस के और बदमाशों की जो मुठभेड़ हुई। देखिए ये ऐसा है कि कल रात्रि में हम लोगों ने नाकाबंदी करी थी और इस प्रकार की सूचना थी कि कुछ जो क्रिमिनल्स हैं हरियाणा साइड के, वो लोग यहाँ पे किसी प्रकार की कोई घटना कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि केडी डेंटल के कॉलेज के पास में जो हमारा नाकाबंदी की कार्रवाई चल रही थी, वहाँ पर कुछ बदमाशों ने जो कि सफ़ेद बोलेरो पे सवार थे, उन्होंने नाका को तोड़ा और तोड़ने के बाद वो कोसी की तरफ बहुत तेज गति से भागे और वो फायर भी कर रहे थे। इस पर घेराबंदी की गई और घेराबंदी करने पर जब उनको किसी तरीके से भागने का रास्ता नहीं बचा था तो गाड़ी एक जगह उनकी फंस गई हाईवे पे और वहाँ से वो उतर कर पुलिस पर फायर करने लगे। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी जिसमें 3 बदमाश इनिशियली उनको चोटें आईं। उनके इलाज के लिए जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर इलाज के दौरान एक जो बदमाश थे उसकी मृत्यु हुई है। 2 बदमाश अभी उपचाररत हैं। 2 बदमाश इसमें पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे अभी पूछताछ की कार्रवाई चल रही है और अंधेरे का लाभ उठाकर 2 बदमाश भागने में सफल हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो मथुरा पुलिस का ये कार्रवाई रही है वो बहुत ही उत्कृष्ट रही है और ये जो अभियान है इसी प्रकार से आगे भी जारी रहेगा। सर इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं? जी, कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, उनका भी इलाज हो रहा है। जिलाधिकारी से बात कर ली गई है। एसएसपी साहब और जिलाधिकारी उन प्रयास करेंगे कि साहब की उनका इलाज समुचित तरीके से हो। और दूसरा ये है कि जो आगे की विधिक कार्रवाई है, पीएम जो करवाना हमें वो, और जो बाकी विवेचना से रिलेटेड एनएचआरसी की जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत हम लोग आगे कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। सर कितने बजे घटना? ये रात्रि में लगभग 2 और 2:30 बजे के बीच की घटना है और जो घटनाक्रम है 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का लगभग चला है।